पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा। टोनी, क्या तुम हो? हाँ मैट, ये मैं ही हूँ, और अब से तुम सबसे सेफ हाथों में रहोगे मैट। इसलिए तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसको गुस्सा दिखाना चाहिए और किसको नहीं, कि तुम मेरे उन गिने चुने लोगों में से किसी के बेटे हो जिनके बारे में मैं सच में केयर करता हूँ, और इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मतलब तुम तो वैसे भी मेरी मदद करने ही वाले थे। ना, मैंने तो झूठ कहा था। बल्कि मेन ड्राइव और क्लाउड सर्वर के कोई भी फाइल्स अवेलेबल नहीं है, सब डिलीट कर दिए गए हैं। कौन कर सकता है? अब आगे स्टार्क इंडस्ट्री ज्यादातर हथियार बनाने के लिए जानी जाती है, और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को $200 बिलियन की एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन ये $200 बिलियन और इसका कॉन्ट्रैक्ट किस लिए था, ये सिर्फ टोनी को पता था। और टोनी ने जनरल डेली और उनको उनके दो एक्सपर्ट्स को लाने के लिए बुलाया था, और आर्मी के जनरल डेली अपने दोनों एक्सपर्ट्स ट्रीज और लैडी के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं। और टोनी के सामने टेबल पे 3 फाइल्स रखी हुई थी, और जनरल डेली पूछते हैं कि ये सारी चीजें क्या है मिस्टर स्टार्क, और टोनी कहता है कि फिलहाल तुम इतना समझ लो कि ये सब तुम्हारे लिए $200 बिलियन है। और क्या ये दोनों तुम्हारे एक्सपर्ट्स है? मतलब ट्रिस फिर भी ठीक है, लेकिन लैरी किस काम का? ट्रिस फिर भी अपने सारे स्टेप्स को अच्छे से जानती है, उसके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन तुम कैसे सभी को ट्रिक करके टोपी पहनाओगे? तुम्हारा सफेद कोट किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और तभी टोनी लैडी को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, और ट्रिस को फाइल सौंप देता है। और तभी जनरल डेली पूछते हैं कि क्या है मिस्टर स्टार्क, क्या ये कोई जंग का हथियार है? और इसके जवाब में टोनी कहता है कि नहीं, ये किसी जंग का हथियार नहीं है, बल्कि अगर इसको तुम रखो तो कोई जंग ही नहीं होगी, क्योंकि एक टूल है सभी के नाश का, एक प्योर एनाइलेशन का। क्यों, मैंने सही कहा ना ट्रिस? इसके जवाब में ट्रिस कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारे सारे प्रोजेक्शन सही है तो, लेकिन एक गलत तरीका है, ये उनमें से एक है जो सबसे ज्यादा इमोरल अनैतिक चीज है। और तभी जनरल पूछते हैं कि मैंने तो सोचा था कि आपने हथियार बनाना छोड़ दिया है मिस्टर स्टार्क। और तभी टोनी कहता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया है, और मैं हथियार नहीं बना रहा और ना ही बेच रहा हूँ, मैं तो इन प्लान्स को बेच रहा हूँ। और तभी जनरल पूछते हैं कि बाकी एनवेलप्स में क्या है, और इसके जवाब में टोनी कहता है कि उनमें भी वही सेम प्लान है, सिर्फ अलग लैंग्वेज में, एक रशियन में और दूसरा चाइनीज में। और उस तरफ हम देखते कि टोनी की एक और कंपनी रेजिलिएंट के हेडक्वार्टर में पेपर उस दूसरे आयरन मैन के साथ कुछ डेटा चेक कर रही थी, और तभी वो आयरन मैन कहता है कि स्टार्क इंडस्ट्री के बैंक अकाउंट में $200 बिलियन डिपॉजिट हुए हैं। और तभी पेपर पूछती है कि क्या ये पैसा आया कहाँ से, और इसके जवाब में वो आयरन मैन कहता है कि पता नहीं, इसे ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया है उससे ज्यादा जरूरी है कि इस पैसे से टोनी करना क्या चाहता है। अगर वो करना चाहता है जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो इस दुनिया को अपने इमेजिनेशन के हिसाब से बदलना चाहता है, तो मुझे पता है कि उसका अगला चाल क्या होगा। उस तरफ हम देखते हैं कि टोनी एक मीडिया कंपनी में आया था, और उसने उस मीडिया कंपनी में एक मीटिंग बुलाया था, और उस मीटिंग में उसने टीन एनिमेशन को भी लेके गया था, और वो लोग बड़ी हैरानी से पूछते कि मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। और इसके जवाब में टोनी कहता है कि ये तो बस एक 13 साल का बच्चा है, और आप लोगों को तो पता ही है कि एक ऐसे हरे दानव वाले बच्चे के लिए बेबी सीटर ढूंढना कितना मुश्किल है, तो इसलिए इसे मैंने अपने साथ ही लेके आया। तो चलिए अब बिजनेस की बात करते हैं। और तभी उस मीडिया कंपनी का मालिक जेराल्ड का फोन बज उठता है, और टोनी कहता है कि कॉल पिक मत करना, और तभी एक एक करके सभी का फोन बज उठता है। और तभी टोनी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सीरियसली, तुम लोग को इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि अपने कंपनी के एक बड़े मीटिंग में अपने फोन्स को स्विच अप करके रखना चाहिए? और तभी टोनी खड़ा होता है और कहता है कि तुम सभी को इन कॉल्स को पिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन कॉल्स में तुम्हें क्या कहा जाएगा वो मुझे पता है, और वो चीज है बेच दो। मैं यहाँ पे आने के पहले उन सारे बड़े न्यूज सर्विसेज और तुम्हारे उन सारे बड़े पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के पास भी गया था। और टोनी आगे कहता है कि वो इस न्यूज मीडिया कंपनी को खरीदना चाहता है। और तभी जेराल्ड पूछता है कि क्यों, तुम तो कभी किसी मीडिया एम्पायर नहीं बनाना चाहते थे। और इसके जवाब में टोनी कहता है कि हाँ,
क्योंकि मुझे कभी अपने आप को अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये दुनिया मुझे वैसे ही प्यार करती थी क्योंकि मैंने इस दुनिया को बहुत बार अपने बलबूते पे अपने हाथों से बचाया है। लेकिन इस बार मेरे पास कुछ प्लान्स है इस दुनिया को पहले से बेटर बनाने की, इस दुनिया को बदलने की। लेकिन सभी का नजरिया एक नहीं होती, इसलिए इस रास्ते पे मुझे कुछ रुकावट तो आएंगे क्योंकि आ जाते हैं कुछ लोग कहीं से भी। इसलिए मेरे रेपुटेशन को ठीक रखने के लिए मुझे तुम्हारे मीडिया की सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हारे चैनल के दीवाने सारे आम आदमी, सारे पॉलिटिशियंस, सारे नेटवर्क्स, सारे प्लेटफॉर्म्स को मैं अपनी पॉकेट में रखना चाहता हूँ। और वैसे भी अभी तुम बूढ़े हो चुके हो जेरल्ड, अब तुम चाहो तो कुछ बिलियन पैसों के बदले इस कंपनी को मुझे बेच सकते हो, या फिर बाद में जोर जबरदस्ती तुम्हारे इस कंपनी को मुझे छीनना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बिलियंस दे सकता हूँ जिससे कि तुम अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सको। और इससे जेराल्ड गुस्सा हो जाता है और सिक्योरिटी को बुलाता है, और तभी सारे सिक्योरिटी वहाँ पे आते हैं और टीना एनिमेशन और टोनी के ऊपर अपने गन पॉइंट करते हैं। और इससे टीना एनिमेशन दोबारा गुस्सा हो जाता है और उस बोर्ड मीटिंग के टेबल को उठा के खिड़की के बाहर फेंक देता है जो बाहर रोड पे गिरता है। और तभी उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड टीना एनिमेशन के ऊपर अपना बंदूक पॉइंट करता है और टोनी उस गार्ड से कहता है कि ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। लेकिन तभी वो सिक्योरिटी गार्ड टीना एनिमेशन के ऊपर गोली चला देता है और इससे टीना एनिमेशन यानी जैमी गुस्सा हो जाता है और उस गार्ड को पकड़ लेता है। और तभी बाकी गार्ड्स भी उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं और इससे टीना एनिमेशन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और टोनी चीखता है कि स्टॉप फायरिंग, गोली चलाना बंद करो। लेकिन वो गार्ड्स नहीं रुकते, वो लोग जैमी के ऊपर गोली चलाते रहते हैं और टोनी और भी चीखता है कि स्टॉप फायरिंग। और तभी खिड़की तोड़ के एंडोसिम आर्मर अंदर आता है और टोनी उस आर्मर को पहन लेता है। और तभी एक गार्ड टोनी के सिर पे गोली मारता है और इससे टोनी अब गुस्सा हो जाता है और उस गार्ड की तरफ घूम के कहता है, आई सेड स्टॉप फायरिंग। और तभी सब रुक जाते हैं और टोनी जैमी को उस गार्ड को छोड़ने के लिए कहता है और घूम के उन गार्ड से कहता है कि सिर्फ पाँच मिनट बाद जरल अपना सोच बदल देगा और फिर तुम लोगों का नया मालिक मैं बनूंगा। और बनते ही तुम में से जिसने एनिमेशन के ऊपर गोली चलाई और खास करके जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई, उन दोनों को मैं इस जॉब से निकाल दूंगा। और तभी जेराल्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है टोनी, तुम यहाँ पे आओगे और मेरे पूरी जिंदगी की मेहनत, मेरी कंपनी को तुम मुझसे छीन लोगे? और इस जवाब में टोनी कहता है कि हाँ बिल्कुल। और तभी जेराल्ड कहता है, तो फिर शायद तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। और तभी टोनी पूछता है कि क्या, और तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो थी पेपर पॉट। और टोनी से कहती है कि तुम इस कंपनी को नहीं खरीद पाओगे टोनी, क्योंकि मैंने अभी इस कंपनी का 54% शेयर खरीद लिया है। और तभी टोनी हैरान हो जाता है और पूछता है कि किस लिए, और इसके जवाब में पेपर कहती है कि रेजिलिएंट के लिए, जिस कंपनी को तुमने मुझे सौंप दिया था और अब वो कंपनी मेरी है और इस कंपनी के 54% भी, और इस खिड़की और बोर्ड मीटिंग टेबल का बिल तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा, पे कर देना। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बिल्डिंग से निकल जाओ अभी के अभी। और तभी टीन एनिमेशन दोबारा गुस्सा हो जाता है और पेपर को पकड़ने जाता है। लेकिन तभी टोनी टीन एनिमेशन को रोकता है और कहता है, ना मुन्ना ना, अपने स्टेप मॉम से ऐसे बात नहीं करते। और सुन के पेपर चौंक जाती है, क्या स्टेप मॉम? और तभी टोनी कहता है कि यहाँ पे नहीं पेपर, हम बात करेंगे लेकिन किसी और जगह पे। और इतना कहते टोनी और जैमी वहाँ से चले जाते हैं। और शाम को वो दोनों रेजिलिएंट के हेडक्वार्टर पे पहुँचते हैं और टोनी पेपर से पूछता है कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ है। इसके जवाब में पेपर कहती है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं। और टोनी को भी अपनी एंडोसिम आर्मर को बाहर रख के आने के लिए कहती है। और टोनी एंडोसिम आर्मर को बाहर ही छोड़ के वो तीनों लिफ्ट पे चढ़ते हैं। लेकिन पेपर लिफ्ट को ऊपर नहीं बल्कि नीचे लेके जा रही थी। और टोनी पेपर से पूछता है कि क्या हम लोग बात करने के लिए बोर्ड रूम में नहीं जा रहे? और इसके जवाब में पेपर कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने देखा कि आखिरी बार बोर्ड रूम में तुम लोगों ने क्या किया। और पेपर अगर टोनी से पूछती है कि तुमने मुझे इसका स्टेप मॉम क्यों कहा? और इसके जवाब में टोनी कहता है कि जैमी तुम्हारे एक्स हस्बैंड हैप्पी का बेटा है। और तभी पेपर जैमी की तरफ घूमती है और उदास होकर कहती है कि आई एम सॉरी जैमी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, लेकिन इस चीज को लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। और तभी टोनी कहता है कि क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? तुम खुद समझ जाओगे। और तभी लिफ्ट के ऊपर की छत खुल जाती है और उन दोनों को छोड़ के पेपर वहां से निकल जाती है। और तभी
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज मैं आप में से कुछ दोस्तों का नाम शाउट आउट करने वाला हूँ। तो पहला शाउट आउट जाता है मुकुल शर्मा को, जिनका एक रोस्टिंग चैनल है। आप लोग चाहे तो उसका चैनल जाकर देख सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सेकंड शाउट आउट जाता है सुपर हिट व्हाट्सएप स्टेटस को, जो व्हाट्सएप स्टेटस रिलेटेड वीडियोस बनाती है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो आप लोग उनके चैनल पे जाके उनके वीडियोस जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही तो उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी भी हाल ना छोड़ना, पहले तीर में ही कोई तीरंदाज नहीं बन जाता, इट टेक्स टाइम। मुझे ही देख लो, एक साल हो गया अभी भी वॉइस ठीक नहीं हुआ मेरा। और तीसरा शाउट आउट जाता है असाद द गेमर को, असाद ही है ना, ये आजाद है, जो भी हो, असाद द गेमर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।